हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स GT20 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में कैसे ऐप क्लोन्स वगैरह को आप कैसे बना सकते हैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में, और कैसे ऐप क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं इन्फिनिक्स GT20 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप क्लोन्स को क्रिएट कैसे करें और ऐप क्लोन कैसे बनाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अलार्म्स वगैरह को बंद कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में, सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो अलार्म सुन लो, कैसे अपने फ़ोन में ऐप क्लोन्स को क्रिएट करेंगे, सिंपली साउंड एंड बैक करना है। बैक करते ही आपके पास ऑप्शन आता है स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शंस पे जाकर आपके पास क्लोन ऑप्शन आता है, जहाँ से क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाएंगे। जब आप फेसबुक क्लोन्स को बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसको ऑन कर देना है। ऑन करते ही फेसबुक क्लोन्स आपके फ़ोन में बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में क्लोन बना सकते हैं जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने फेसबुक में। जब आप बैक करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फेसबुक का क्लोन से शो हो रहा है, जिसको आप यूज़ करके दो आईडी एक साथ चला सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से फेसबुक क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।